जैसे जैसे बिहार चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, सियासत की गर्माहट तेज होती जा रही है। जब से ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने जीतनराम मांझी से मुलाकात की है, उसके बाद से दिगर पार्टियों की नींद हराम हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम में समाज के हर तबके के लोग शामिल हो रहे हैं। यह तस्वीर बिहार के मोतिहारी की है, जहां यादव बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों लोग एमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए। हम तो राष्ट्रीय जनता दल भी है, जदयू भी है, दिल नहीं करता है जाने का, मन नहीं करता है बात करने का। नब्बे के दशक से इतना यादव समाज का बदनामी हो गया, मुख्यमंत्री यादव तो बहुत लोग हुए, रामलखन सिंह यादव भी हुए, उनके समय में यादवों को मान सम्मान जो मिला, दरोगा राय के समय में जो मान सम्मान मिला, लालू यादव ने सबको चौपट करा। कलीम भाई परिवारवाद उन्होंने नहीं किया, अभी परिवारवाद पे आ गए, बिहार को लूटने के काम किए, समाज को शोषण किए। हमारे बाप दादाओं ने या इसमें भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उन लोगों के भी तजर्बे में होगा, हम लोगों ने एक के बाद दिगरे, हम लोगों ने आरजेडी को भी मौका दिया, जदयू को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी दिया, बीजेपी को दिया, यानी हर पार्टियों को हम लोगों ने मौका दिया, मगर 70-72 सालों में उन लोगों ने जैसे एक बच्चे को टॉफी दी जाती है उसी तरीके से टॉफी दे करके हम लोगों को सिर्फ ललचा करके, हम लोगों को घुमा करके, हम लोगों का इस्तेमाल किया गया और पूरी तरीके से जनता जो है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव सत्ता में रहे हों या नीतीश कुमार रहे हों, पूरी तरीके से हम लोग भटके रहे।